आज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक स्टॉक के बारे में जो कि जो 2023 में लिस्टिंग हुआ था दिसंबर में तो अभी फ्रेश स्टॉक है नया स्टॉक है तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया है रिसेंट जो है 52 वीक हाई को या तो ऑल टाइम हाई को उसको ब्रेक किया है तो डायरेक्टली हम वीडियो में मूव ऑन करते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना तो ये जो स्टॉक का नाम है ये है बैजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये एक इंफ्रास्ट्र स्टॉक है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यह स्टॉक जो अभी है अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ था ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी फोर में ये लिस्टेड हुआ था 2023 ट्वेंटी थ्री में यहाँ से फिर लोअर सर्किट लगा यहाँ से फिर स्टॉक ने उठा थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाया फिर यहाँ से गिरा साइड वेज गया फिर यहाँ पर इसने अपने आ, हाई को ब्रेकआउट दिया ठीक है 52 टू वे हाई को ब्रेकआउट दिया फिर यहाँ पर इसने कंसोलीटेट किया और कॉन्सोलीटेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट डेढ़ से दो महीने के बाद इसने यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस लाइन बनती है वो हम खींच लेते हैं पहले एनालिसिस के लिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो लाइन खींच लिया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से अप मूव करने के बाद पहले यहाँ से सपोर्ट लेके अप मूव किया ठीक है फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ यहाँ एक बार फिर टेस्ट टेस्टिंग किया फिर यहाँ पर एक बार प्राइस ने टेस्ट किया इसको फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर ऊपर टेस्ट करके यहाँ पर अभी फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न को नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये यह सिमेट्रिकल नहीं कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये बन रहा है ऊपर की तरफ ट्राइंगल तो ये है आपका एक असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट ठीक है तो आपका एक असेंडिंग ट्रैंगल ब्रेकआउट बन रहा है आर एस आई ऑलरेडी मैंने आपके सामने खोल रखा है तो आर एस आई आप देख सकते हो सिक्सटी सेवन का आर एस आई है जिसका मतलब स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है सेकेंड स्टॉक ट्वेंटी एम ए के ऊपर ट्रेड कर रहा है ठीक है क्योंकि नया स्टॉक है देखो ट्वेंटी ई एम ए के ऊपर काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लेकर ट्रेड कर रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है और एट द सेम टाइम अगर हम वॉल्यूम पर नजर डालें ठीक है अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम को थोड़ा जूम करके आप वॉल्यूम पर नज़र डालें तो ओवर द फ्यू डेज यहाँ पर जो है वॉल्यूम एक्यूमलेट हो रहा है पिछले दो वीक्स का अगर हम वॉल्यूम कंपेयर करें तो वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो है स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम एक्यूमलेशन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप दो तीन कन्फर्मेशन हमने मिल गया कि आर में स्ट्रेंथ है वॉल्यूम एक्यूमलेशन है और यहाँ पर जो है स्टॉक ने असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट दे दिया ई को सपोर्ट लेते हुए अब यहाँ पर हम दो चीज़ की बात करेंगे एक एस और एक टारगेट अब यहाँ पर हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा सबसे पहले हम टारगेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम एक प्राइस रेंज ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर स्विंग है इसको हम लोग मेज़र करेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक ठीक है यहाँ पर उल्टा मैंने ड्रॉ कर दिया ठीक है इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको हम ट्रायंगल के विथ को यहाँ पर जो लेटेस्ट स्विंग है ना उसको हम मेजर करेंगे ठीक है और सेम ठीक है सेम ऊपर की तरफ हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो है प्राइस आपका जो है लगभग फोर हंड्रेड थर्टीन तक जा सकता है अगर हम इस पर्टिकुलर स्विंग को भी कंसिडर करें ठीक है इस पर्टिकुलर स्विंग को भी कंसिडर करें तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा थ्री सिक्सटी वन का रहेगा तो मिनिमम से मिनिमम आपका टारगेट जो है अभी फिलहाल फर्स्ट टारगेट जो है आपका रहेगा कितना थ्री सिक्सटी वन का फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा फिर उसके बाद ये जितना स्विंग है उसको हम कवर करेंगे ठीक है ये पर्टिकुलर स्विंग जितना मैंने आपको बताया ना फोर हंड्रेड समथिंग का तो वो आपका सेकेंड टारगेट रहेगा ठीक है अब हम हसएल कहाँ पर प्लेस करेंगे देखो यहाँ नीचे प्लेस करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल के नीचे तो काफ़ी क्या बोलते हैं स्टॉक जो है स्ट� आई मीन स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइस एक बार रिजेक्ट हुआ था यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ था और इस जोन से भी मतलब लगभग प्राइस डोजी कैंडल वगैरह बन रहे तो यहाँ पर भी एक काफ़ी लेवल बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ऐसे लेंगे ठीक है ज़्यादा बड़ा एस लेके हम लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट के मोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या सीन रहेगा तो लगभग यहाँ पर इस जोन पे हम अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्विंग कैंडल है जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पिछले वाले कैंडल का लो उसमें हम अपना एस रखेंगे तो टू का आपका एस रहेगा ठीक है तो आपका मैं यहाँ पर एक और हॉरिजेंटल रे बना देता हूँ जिससे आपका टारगेट का भी मैं दिखा देता हूँ लगभग 360 मान के चलो ठीक है थोड़ा सा ऊपर 61 थोड़ा ऑड नंबर हो जाता है एक इवन नंबर अपन पकड़ के चलते या तो 362 आप मान के चलो ठीक है थ्री सिक्सटी या तो थ्री सिक्सटी टू आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट ठीक है और यहाँ पर नीचे की तरफ देखो तो टू सेवेंटी का आपका एक एसएल रहेगा ठीक है या मेरा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अगर आपको कुछ भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो या तो आपको वीडियो में कुछ फीडबैक देना हो कुछ आपको पूछना हो तो आप मेरे से वीडियो में कॉमेंट पर बात कर सकते हो ठीक है आशा करता तो हूँ आपको वीडियो पसंद आई नए वीडियो में मैं आपके साथ बहुत जल्द फिर से मिलता हूँ तब तक के लिए अलविदा